कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक उन चार में से दूसरा रेलिक इस दुनिया के बर्फीले इलाके में दफन है। मैं उस दफन हुए रेलिक को हर हाल में आपकी खातिर लेकर आऊंगा लॉर्ड मेगाट्रॉन। तो जाओ उसे लेकर आओ ड्रेडविंग, और साबित कर दो कि तुम उन सबसे ज्यादा काबिल हो जो तुमसे पहले इस ओहदे पर थे। इनर स्टैट क्रॉस क्लैंप लेजर स्कैल्पल ड्यूरेबिलियम ड्रिल और एक थोड़ा टूटा हुआ लेकिन काम करता टीकॉग जो मुझे मेरे क्लोन के बदौलत मिला। इन सब चीजों से मैं फिर से पहले जैसा बन जाऊंगा। बस थोड़ा दर्द होगा पर सह लूंगा। मत डरो स्टारस्क्रीम, डरोगे तो हमेशा के लिए यही पड़े रहोगे। एक ही वक्त पर चार अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर चार अलग अलग ग्राउंड ब्रिज के जरिए डिसेप्टिकॉन्स निकल पड़े हैं। आखिर माजरा क्या है? होशियारी से काम करना बल्क है रैफ, बाकी कोऑर्डिनेट्स को लॉक करो। मैं एंटार्क्टिक का रेलिक लेकर आता हूं। और जहां तक तुम्हारा सवाल है मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं कि तुम भी किसी को अपने साथ ले जाओ। लेकिन अब कोई बचा ही नहीं है ऑप्टिमस, एजेंट फाउलर भी होश में नहीं है। चलो छुपा छुपे खेलें। देख लिया ना, इस प्लैनेट पर एक और ऑटोबॉट है जो इस मिशन पर तुम्हारा साथ दे सकता है। क्या तुम उसकी बात कर रहे हो ऑप्टिमस? व्हील जैक बहुत ही बददिमाग और बेलगाम है। वैसे भी वो बल्कहेड का पार्टनर है। जिस तरह तुम साइंस में माहिर हो, उसी तरह व्हील जैक मैदान जंग में इस मिशन पर उसे साथ ले जाना ही समझदारी होगी। ग्राउंड ब्रिज के लिए रिमोट कंट्रोल, डिसेप्टिकॉन साइंटिस्ट्स का जवाब नहीं। बड़ा ही अजीब प्लेनेट है, कहीं दिखता रेगिस्तान तो कहीं जमा देने वाली बर्फ है। मेरे डिसेप्टिकॉन साथी कहीं नजर नहीं आ रहे। पहले बताओ तो सही, मार क्यों रहे हो? डिसेप्टिकॉन्स, अपने शिप के कमांडर पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कमांडर नहीं, गद्दार हो स्काईक्वेक। पर तुम गलती से मुझे मेरा भाई समझ रहे हो, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तुम इस बात से वाकिफ हो ना एक्स कमांडर स्टारस्क्रीम? दिल तो करता है कि तुम्हें यहीं और इसी वक्त खत्म कर दूं, लेकिन मेगाट्रॉन का लेफ्टिनेंट होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं हर गद्दार को उनके पास ले जाऊं ताकि वही उसे सजा दे। क्या तुम और लेफ्टिनेंट? वो मेरा होता है था, औधा था। कमांडर ड्रेडविंग, मेगाट्रॉन ने अपने लेफ्टिनेंट को भेजा है, इसका मतलब ये मिशन बहुत ही जरूरी होगा। क्या ढूंढ रहे हो एनाजॉन, या फिर कुछ और ढूंढ रहे हो? तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं। अगर पता चले क्या ढूंढ रहे हो तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं।
हम कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच गए हैं। रेलिक कहां गया? लगता है उसे कोई ले गया। रेलिक? किस तरह का रेलिक? इलाका छान मारो। कमांडर ड्रेडविंग, हमें गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। जरूर ऑटोबॉट्स होंगे। क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि आजकल ऑटोबॉट्स अपनी जीत का झंडा लहराते हैं। मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें इसी बर्फ में दफन कर दूंगा। तुम दोनों कैदी पर नजर रखना। ऑप्टिमस प्राइम, चुपचाप वो रेलिक मेरे हवाले कर दो और यहां से दफा हो जाओ। मैं भी तुमसे यही बात कहने वाला था ड्रेडविंग। फिर तो तुम सौदा करने के हालत में बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि हम पूरे पांच हैं और तुम सिर्फ एक हो। छह हो सकते हैं अगर तुम मेरी यह हथकड़ी खोल दो तो। तुम्हारा निशाना चूक गया। मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा। नहीं, कहां गया वो घमंडी, नजर नहीं आ रहा। कमांडर ड्रेडविंग, हमारी टीम लाजवाब है। मुझे कितनी खुशी है कि तुम जीत गए ऑप्टिमस प्राइम। वो घमंडी ड्रेडविंग मुझे मारना चाहता था। अब अगर तुम मेरी हथकड़ी खोल दो तो मैं तुम्हें उस रेलिक का ठिकाना दिखा सकूंगा। वो तो तुम वैसे भी दिखाओगे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। थोड़ा रहम करो प्राइम, ये ठंड हमारे एक्चुएटर्स को जमा देंगी। यहाँ का तापमान उतना भी सर्द नहीं कि हमारे पुर्जों को जमा दे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई भी मेरी बात नहीं मानता, जबकि तुम्हें तो मेरा एहसान मंद होना चाहिए। मैंने तुम ऑटोबॉट्स की मदद की,
तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में, आरसी की जान बचाने में। तुमने वाकई हमारी मदद की थी स्टारस्क्रीम, लेकिन उसके पीछे तुम्हारा अपना मतलब था। हाँ, सबके सब तुम्हारी तरह दरिया दिल तो नहीं हो सकते ना। मुझे लगा ही था इंसान, वो रेलिक इन्हीं के पास है, उस पर हमारा हक है, चलो उसे हासिल करें। हम साइबरट्रोनियन रेलिक्स के खातिर यूं ही इंसानों के बीच नहीं जा सकते। अगर वो चोर है तब भी नहीं। मैं मासूम इंसानों को एक खतरनाक डिसेप्टिकॉन का शिकार नहीं बना सकता। राफ, क्या एजेंट की हालत में सुधार आया? मैं ठीक हूँ प्राइम, बताओ क्या बात है? मुझे अपने कोऑर्डिनेट्स पर एक रिसर्च फैसिलिटी में जाने की जरूरत है। मैं अभी उसे खाली करवाता हूं। ही ठंड में ठिठुरते हुए इंतजार करते रहेंगे? इंसानों का क्या भरोसा, उन्होंने काम नहीं किया तो? बेस खाली करवा दिया है प्राइम, लेकिन वहां तोड़फोड़ मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया एजेंट फाउला। रेलिक अब तक बर्फ में जमा हुआ है। तुम डिसेप्टिकॉन के नाम पर धब्बा हो स्टारस्क्रीम, एक ऑटोबॉट की मदद कर रहे हो, इसकी तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। क्या? पर मैंने तो पैरों के निशान जानबूझकर छोड़े थे ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको और मुझे बचा सको। ड्रेडविंग, मैं तुम्हें यहाँ से इस रेलिक को नहीं ले जाने दूंगा। मैं जानता हूँ प्राइम, इसलिए पहले तुम्हें रास्ते से हटाऊंगा। इस रेलिक में कुछ तो खास होगा जिसके लिए ये लड़ रहे हैं। डिसेप्टिकॉन का बनाया आर्मर। Apex Armor. तो बताओ कैसा लग रहा हूं मैं? स्टारस्क्रीम, लॉर्ड मेगाट्रॉन की चीज को इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुम मुझे रोकने के लिए क्या करोगे कमांडर? क्या हुआ, कहां गई अब वो ताकत तुम्हारी? क्लिफ जंपर को मारने के बाद आज किसी को मारने का मजा आ रहा है।
चलो तो एक काम करता हूँ, तुम्हें भी तुम्हारे भाई के पास पहुँचा देता हूँ। और तुम ऑप्टिमस प्राइम, तुम्हें मैं इतना मारूंगा कि आइंदा फिर कभी मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। रेड विंग, एक दूसरे से बाद में निपटेंगे, लेकिन अगर हमने मिलकर अपने दुश्मन को नहीं मारा तो स्टार स्क्रीम हम दोनों को मार देगा। मैं उसका ध्यान भटकाता हूं। उड़ान भी काम नहीं आई। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है गद्दार स्टारस्क्रीम। गुदगुदी हुई। बेवकूफों, दिमाग तो मेरे पास था ही, लेकिन अब मेरे पास बल भी आ गया। फिर भी तुम उड़ नहीं सकते। हम सब में कुछ खामियां हैं। अब मुझे बाकी तीन रिलिक्स के बारे में बताओ, क्या वो भी मेरे इस आर्मर की तरह ताकतवर हैं? उन्हें तुम जैसे शैतानों के हाथ से दूर रखने के लिए ही छिपाया गया था। वो बहुत ताकतवर है ऑप्टिमस प्राइम, भाग निकलो। कायरों, तुम मुझसे बच नहीं सकते। रुको, तुम कोई चाल चल रहे हो? हमारे एक होने का जो मकसद था वो पूरा हो गया। स्टारस्क्रीम नहीं रहा और उसके साथ एपेक्स आर्मर भी। क्या अब भी हमारे पास इस लड़ाई को जारी रखने की कोई वजह है? मेरे पास लड़ने की एक और अहम वजह है। मैं स्काईक्वेक को मारना नहीं चाहता था और मुझे उसके गुजर जाने का अफसोस है, तो मैं तुमसे भी वही दरख्वास्त करूंगा जो मैंने उससे की थी। डिसेप्टिकॉन्स का साथ देना छोड़ दो और उसकी और बाकी शहीदों की खातिर इस जंग को खत्म कर दो। तुमने आज मेरी जान बचाई, लेकिन याद रखना, अगली बार तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। ये तो वक्त ही बताएगा।